हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सियासी खबरों के बारे में जो कि मणिपुर राज्य से निकल के सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तगड़ा और बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खेल खत्म होने वाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर राज्य में गिरने वाली है, क्योंकि तीन विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो वही उप मुख्यमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खतरे के बादल मंडरा चुके हैं। और इसी कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद भी हराम हो चुकी है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ा राज्य गंवाने जा रही है। तो दोस्तों, अभी हम आपको इस बड़ी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ी है और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें फिर से जगी है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की सियासी खबरों के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं मणिपुर राज्य से आ रही बड़ी सियासी खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी, और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार को तगड़ा झटका लग चुका और कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ी खुशखबरी नसीब हो चुकी है। तो मणिपुर राज्य में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार को बड़ा और तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि तीन विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सहित चार मंत्रियों ने भी पार्टी छोड़ दी, यानी उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार खतरे में आ चुकी है और उनको तगड़ा झटका लग चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और उसके अलावा राज्य के उप मुख्यमंत्री समेत चार मंत्रियों ने भी पार्टी छोड़ दिए। और इसके चलते अब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में आ चुकी है और चौतरफा मुसीबतों में फंस चुकी है। और मणिपुर के उप मुख्यमंत्री वाई जे कुमार सिंह ने आज अपने पद से त्याग पत्र दिया और उनके साथ तीन अन्य मंत्रियों ने भी त्याग पत्र दिया, यानी इस पद से इस्तीफा दिया। और गठबंधन सरकार में एक टीएमसी विधायक और एक निर्दलीय विधायक ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में अल्पमत में आ चुकी है और इसी कारण मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा और बड़ा नुकसान हो चुका और बड़ा झटका लग चुका है। तो दोस्तों, जो विधायक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए उनके नाम है एस सुभाष चंद्र सिंह, टीटी हाउकीप और सैमुअल जेंदई। और इसके अलावा दोस्तों, जो मंत्री यहां पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिए उनके नाम है एन काइसी, मंत्री एल जयंत कुमार सिंह और लेपताओ यहां पर हाउकीप। और दोस्तों, इन सभी मंत्रियों ने और इन सभी विधायकों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दमन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को लुटाकर रख दिया है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें तो मणिपुर में फिलहाल बीरेन्द्र सिंह जो है वर्तमान में सीएम है, और जिन विधायकों ने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए हुए संभावित रूप से अब कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। और इसी कारण दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो यहां पर पूरी तरह से राज्य में सरकार का वजूद खतरे में आ जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खेल खत्म हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन पूरी तरह से जो है लग जाएगा। यह संभावित निकल के सामने आ रहा है मणिपुर राज्य से सियासी खबरों को लेकर, और मणिपुर राज्य में सियासी संकट गिरा चुका और मणिपुर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की ताजा और बड़ी सियासी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो चुका है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की फिर से उम्मीदें जग चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपको यह आज की ताजा और बड़ी खबर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि जहां भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में सेंधमारी की कोशिश कर रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी कर दी मणिपुर राज्य में, जिसके बाद में मणिपुर राज्य गंवाना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, और साथ ही भारत माता की जय।